अरे केजरीवाल जी, ये बताओ आज के प्याज के दाम कैसे चल रहे हैं? प्याज के दाम अगर सही है, अगर बोली में बेचना चाहते हो तो बोली लगा करके बेच दो, मेरे 50 गट्टी प्याज लिख लेना, दाम बताओ इनके, बोली लगा दो। यहाँ पे योगी जी भी आ गए और मोदी जी भी आ गए, साथ साथ बोली लगा दो, बोली में हम खरीदेंगे आज प्याज। अरे अगर प्याज का दाम पूछोगे तुम लोग तो मैं प्याज का दाम बता दूं, 10,000 रुपये प्रति कुंटल है, 10,000 रुपये प्रति कुंटल है, लेकिन 1,000 रुपये प्रति कुंटल से बोली लगाऊंगा। जो बोली में सबसे आगे पहुंचेगा उसी का प्याज हो जाएगा, जिसकी लाठी उसी का भैंस। अब देखते हैं बोली में सबसे ज़्यादा आगे कौन बढ़ता है, अगर जो बोली में आगे बढ़ेगा वो 150 की लाठ खरीदना पड़ेगा, पूरी की पूरी 150 बोरी प्याज उसे लेना ही पड़ेगा। चलो लगाते हैं बोली, आप लोग बोली के लिए तैयार हो जाओ बिल्कुल। अरे केजरीवाल जी, हमारे तरफ से प्याज एक प्रति कुंटल के हिसाब से 2,000 रुपये, हमारे तरफ से 2,000 में खरीदना मैं चाहता हूँ। चलो भाई लोगों आगे बढ़ो, मोदी ने लगा दिया 2,000 की बोली, 2,001, 2,002, 2,001, आगे कौन बोलना चाहता है फटाफट तैयार हो जाओ, 2,003, 2,004, 2,005। चलो मेरे तरफ से बोली हो गई 4,000 प्रति कुंटल, 4,000 मैं लेता हूँ, सारे प्याज मेरे नाम लिखो, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं खरीद सकता प्याज। अरे बुलडोजर बाबा, ऐसे कैसे कोई नहीं खरीद सकता, अरे ऐसी बातें कैसे करते हो। अरे हमारे तरफ से सुनो भाइयों लोग, 8,000 रुपये प्रति कुंटल प्याज मैं खरीदता हूँ, कोई खरीद करके दिखाए मुझसे आगे बढ़ करके, मैं खरीदूंगा प्याज, मेरे नाम लिखो, 8,000 प्रति कुंटल की दर से मेरे नाम पे लिखो सारा प्याज। अरे भाई लोग, इस प्याज को मैं खरीदूंगा, तुम कैसे खरीदोगे इस प्याज को? अरे लालू जी, तुम नहीं खरीद सकते इस प्याज को, इसका रेट मैं लगाता हूँ 20,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से प्याज मैं खरीदता हूँ, मेरे नाम पे लिखो केजरीवाल, इस प्याज को सारा प्याज मेरे नाम पे लिखो। चलो भाई लोग, इस प्याज जो है मोदी जी खरीद रहे हैं 20,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, ऐसा करो राहुल जी, मुनीम जी सुनो इधर, इनके नाम पे 150 कट्टी प्याज लिख दो। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। अरे क्या अखिलेश और योगी जी, तुम्हें काम धंधे नहीं करना है क्या? ऐसे काम करोगे तो थोड़ी चलेगा, सुबह से यहाँ पे आते हो बैठ जाते हो, अरे काम धंधा थोड़ा कर लो, यहाँ पे कोई फ्री का पैसा थोड़ी मिलता है, तुम्हें मैं फ्री का पैसा नहीं दूंगा ये समझ लेना। अगर काम नहीं किया तो शाम तक देख लेना, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर वो लोडिंग नहीं करनी है तुम ऐसा करो अपने घर जाओ, यहाँ पे बैठ कर क्या कर रहे हो, जब मैं आता हूँ तो तुम्हें बैठे हुए देखता हूँ, काम कब करते हो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, अरे ऐसा करना है तो अपने घर जाओ। देखो मोदी जी, उल्टी सीधी बातें तो करो ना, हमें उल्टी सीधी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है ये समझ लेना, अगर हमें कोई उल्टी सीधी बातें बोल देता है तो मुझे बहुत अंदर से गुस्सा आ जाता है। बात रही काम की तो मेरा काम जाके देख लो, फिर मेरे ऊपर भड़को। योगी और मैं पूरी रात गाड़ी लोड करके दोनों कंधे देखो दर्द कर रहे हैं, इधर वाला कंधा तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, आ करके भसड़ सुना दो यहाँ पे, ऐसा लगता है कि तुम काम के पैसे नहीं देते हो फ्री के देते हो। अरे फ्री के पैसे थोड़ी लेता हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ तो पैसे लेता हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ ये समझ लेना, मुझे पैसे काम के देते हो। फालतू बोलोगे तो मैं आज चला जाऊँगा, आज के बाद कभी तुम्हारे यहाँ पे नहीं आऊँगा, जो तुम्हारे यहाँ पे फ्री में आए काम करे उनको करवा लेना, लेकिन तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। ओके अरे अखिलेश भैया, तुम बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो, तुम्हारी बातों में दम है। अरे ये बताओ, हम दोनों रात भर गाड़ी लोडिंग किए हैं, थोड़ा सा क्या बैठ गए, मोदी जी को तो टेंशन होने लगी, लगता है मैं हम लोग काम नहीं किए वैसे बैठे हुए हैं। अरे हम काम करके बैठे, यहाँ अमित शाह तो अभी लगे पड़े हैं, अभी ये दोनों लोग अभी लोड कर रहे हैं, हम पहले से लोडिंग हम दोनों कर रहे थे, पूरी रात लोडिंग किए हैं। अरे ऐसा है तो हमको मत रखो, हम अलग कहीं पर काम कर लेंगे, अगर हम काम करते ही नहीं है तो मुझे मत रखो, किसी और को रख लो, तुम्हें लगता है कोई फ्री में काम करेगा तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। देखो बुलडोजर बाबा और अखिलेश, तुम दोनों कान खोल करके सुन लो, हम भाषण बहुत कम सुनते हैं क्योंकि हम सबको पैसा देते हैं, ऐसा तो है नहीं कि तुम हमारे यहाँ पे फ्री में काम कर रहे हो और दूसरे के यहाँ पैसा लेते हो। ऐसा करो, तुम शाम को अपना हिसाब पकड़ो और यहाँ से जाओ। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब। अरे अखिलेश बाबू, इनको सही से रोक लेना, केजरीवाल देखो साइकिल से लंबा कुर्ता पहन के आ रहे हैं, अरे इनको रोक करके कम से कम 5,000 रुपये वसूलते हैं, तभी हम लोगों की दिहाड़ी पक्की हो पाएगी 10-10 हज़ार की। इनके जैसे अगर 20 आदमी दिन भर में मिल गए तो हम लोगों की अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन इनको बताना है कि लालू जी के पैर में चोट लग गई है, लालू जी का घर बन रहा है, इसी में चंदा देना है, यही बता करके इनसे वसूली कर लेते हैं आज। रोको भाई, इनको रोको।
अरे रुको केजरीवाल रुको, बिना रुके नहीं जा सकते तुम यहाँ पे, साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी, मैं पकड़ लेता हूँ। ऐसा करो केजरीवाल, कम से कम 5,000 रुपये चंदा देके जाओ। आज इस रोड पे जितने लोग निकल रहे हैं 5,000 रुपये का चंदा देना पड़ रहा है। यहाँ पे ये लालू जी एक तो घर अपना बनवा रहे हैं और इधर रोड की मरम्मत करवा रहे हैं, तो 5,000 का चंदा देना पड़ेगा, इससे कम नहीं होगा, पूरे के पूरे चंदे देने पड़ेंगे तभी आगे जाने दूंगा। और ये तुम लोगों की क्या बदतमीजी है, जब भी इधर मैं आता हूँ साइकिल से कभी चंदा असूली कभी कुछ असूली, अरे रोज के रोज तुम चंदा ही असूलते रहते हो, कितने घर बनवा रहे हो कितनी रोडें बनवा रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करो मुझे आज जाने दो, मैं चंदा नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे 1 रुपये भी नहीं है, फूटी कौड़ी मेरे जेब में नहीं है, आज तो मैं चंदा दे नहीं पाऊंगा। कुछ भी कर लो तुम लोग, चंदा नहीं दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए, चाहे लड़ाई हो जाए या कुछ भी हो जाए। अरे केजरीवाल तुमको पता नहीं कि अब साइकिल का रोड टैक्स बढ़ने लगा है, ऐसा करो तुम्हारे पास पैसे नहीं तो एक सोल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम अपनी साइकिल दे दो, हम साइकिल बेच करके चंदे में अब तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा सबसे ऊपर, इससे हो जाएगा तुम्हारा काम और तुम बच भी जाओगे। क्यों मोदी जी मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अरे अखिलेश बाबू तुमको सच बताऊँ, तुमने आज जो बात करी मेरे दिल में छू गई है। अरे सही कह रहे हैं, अभी अमित शाह जी आए थे तो उनके पास भी पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल देकर चले गए, उन्होंने बोला मेरा नाम ऊपर लिखवा देना, तो इनका भी नाम ऊपर लिखवा देंगे, क्या दिक्कत पड़ रही है। ऐसा करो केजरीवाल तुम अपनी साइकिल दे दो, तुम्हारा भी नाम ऊपर लिख जाएगा। अरे 2,000 की बिक जाएगी, 3,000 रुपये तुम बाद में दे जाना, ये सबसे अच्छी बात है। क्यों मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ, सबसे अच्छी बात, पकड़ो इनकी साइकिल उधर लेके चलो। भाई लोग वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।